हेलो हेलो, पहले तो हेडफोन्स पहन ले, क्या है ना, इससे आवाज़ अच्छी आ जाती है। और एक बड़ा सा थैंक यू हैशटैग लवेश व्लॉग्स को फॉर शेयरिंग दीज ड्रोन शॉट्स हमारे साथ। क्या है ना, ड्रोन शॉट्स का चैनल पे आना एक बहुत ही ऑसम फीलिंग है। ओके, वीडियो प्ले करें। मॉर्निंग गाइज, एंड बहुत दिन बाद एक प्रॉपर ब्लॉग सिनेरियो में वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी नवीन। आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम लॉकडाउन था सेकेंड वेव के कारण, आज पहली बार कहीं जाने का मौका मिला है। इसी एक्साइटमेंट में पूरी रात नींद नहीं आई है। करंटली इट्स 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आई एम गोना बी हेडिंग आउट। दिस फेलो इज स्टिल हियर। ऑफ कोर्स आई कैन ब्लॉग विदाउट यू। यू मेक योर गेमिंग वीडियोस नो विदाउट मी। यू कैनॉट ब्लॉग विदाउट मी, दैट्स द नंबर वन रूल। There is something we Mumbaikers just love. मौका मिलते ही सिटी से बाहर निकलना। And जैसे ही बारिश की हल्की सी बनक हो, all roads kind of leads to the hills, ghats and waterfalls on the outskirts of the city. फिलहाल तो हम लोग बीच में रुके हैं, like we are waiting for the other guys to join us. We're on our way to this place over here and बहुत सही atmosphere है, ना sweet weather है ना. Like feels so good to be out here. Don't worry, masks and all सब है यहाँ. Bad part about coming out right now कि you actually appreciate the fact that कि आप बाहर आ रहे हो, you're seeing places and not taking it for granted. बोला कि नहीं कुछ भी हो, हम हर्षद भाई को लेके ही जाएंगे। ये प्लान इन्होंने नहीं बनाया, ये प्लान हमने बनाया। दिस इज मिस्टर हर्षद एंड ही इज अ डेली ब्लॉगर, सो यू डू चेक आउट हिज ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग। बट इट्स सो गुड टू मीट हिम। एक्चुअली मुझे ब्लॉग से ज्यादा ना इनका मतलब, ही इज ऑलवेज हेल्पफुल to everyone out there in the group. This is Harshad bhai's wife Jyoti. Oh, Jyoti, and she has her own channel, right? Art and creation. Wow. So we are all just having a bit of fun over here, but itna sahi mausam hai and the view ahead of me, let me show you. अर्षद भाई ओवर हियर, ही इज द मैन हु हैज प्लान्ड दिस होल थिंग आउट। प्लस उन्होंने अपने घर से पिकनिक बास्केट लाया व्हिच हैज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू ईट, ढोकला एंड ऑल। सो इट्स अ ग्रेट थिंग टू मीट ऑल ऑफ दीस गाइस हियर। आई कैन रियली यूज अ चेंज ऑफ सीनरी, या एवरीबॉडी स्मोकिंग आउट अ ग्रीनरी, या क्लोज द मैच दैट दे वर हैंडेड डाउन टू मी, बट आई एम स्टिल फ्लाई, आई एम स्टिल फ्लाई, आई नो आई एम स्टिल फ्लाई, आई एम स्टिल फ्लाई, लेट्स गो। दस मिनट के लिए बारिश ना आए मेरा ड्रोन उड़ जाए। अपने आप को सैक्रिफाइस करते हुए ट्रू व्लॉगर। एक्चुअली यहाँ पर रह के ना द होल पॉइंट इज टू जस्ट एंजॉय द मोमेंट। तो आई डोंट नो मैंने कितना शूट किया है, क्या शूट किया है, क्या वीडियो आएगा क्या नहीं आएगा। अगर अब तक आपने जो देखा अच्छा लगा तो डोंट माइंड, प्रेस अ लाइक बटन, बट वी आर जस्ट चिलिंग ओवर। एक छोटी सी स्ट्रीम है मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हो, एंड द बेस्ट पार्ट ओवर हियर मैं आपको बताता हूँ, आई कैन सी स्मॉल फिशेज ओवर देयर जंपिंग इन प्लेइंग। You can see whatever from
behind me, but I'm still fly, I know. I'm still fly, let's go. Did you see that? Nature has its own ways of having fun. Oh, machiyan bhi, like, they're jumping into the stream. I don't know the reason behind it, but it looks so beautiful. And Lavesh, uske paas drone hai. Aur aise location pe aakar, jahan par literally koi nahi hai, drone agar fly nahi ki, to baat adhuri hai. जस्ट चिलिंग, हम लोग यहाँ बस टाइम पास कर रहे थे पूरा. हम लोग ने पिकनिक वाली वाइब कर ली थी, बीच में बारिश हुआ आपने देखा, एंड वे जस्ट रिलैक्सिंग एंजॉइंग द वेदर ओवर हियर. मैट वैट सब बिछा के एकदम पिकनिक वाली वाइब की है. इट्स क्लोज टू 11 o'clock एंड धूप बहुत ज़्यादा निकल चुकी है अभी. सो फिलहाल वे गोना हेड आउट एंड गेट सम स्नैक डन, प्रॉब्ली हैव अ लिटिल क्विक ब्रंच. यहाँ का एक फेमस चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी. सो वे गोना गो देयर. एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग कर रहा हूँ तो लाइक थोड़ा ऑड सा फीलिंग हो रहा है, थोड़ा शर्म भी आ रहा है कैमरा से बात करने में, बट अच्छा लग रहा है बाहर आके. लवेश एंड शोभी शुभू, इनको मैं ऑलमोस्ट 1.5 years से जानते हैं एक दूसरे को हम. yes. लेकिन वी नो इच अदर थ्रू कमेंट्स. कमेंट्स के थ्रू हमने एक दूसरे के चैनल्स डिस्कवर किए एंड आज पहली बार हम एक्चुअली मिले. दिस गाइज हैव मेट बिफोर एंड आई फील कि ऐसे ही तरीके से कोलैब कर रहे हैं, ये सोच के मत मिलो, जस्ट मिलो क्योंकि तुम्हें चिल करना है. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा. चल हम लोग तो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं. हाँ क्या? सीरियसली? अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अभी मिल चुकी है, ये लोग भी सब पहली बार ही मिल रहे हैं. अब मेरे को गिल्ट फील नहीं हो रहा. बिग हमारे अनुज भैया कैसे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, कितने लोग अरे कम हो रहे हैं ये है, अभी जाने दे अभी बीच में रेकॉर्ड मत कर. ये नवीन मेरे चेहरे पे कैमरा मार रहा है, पहले तेरा रिकॉर्ड किया था, तू मेरा रिकॉर्ड करेगा अभी. ऑब्वियसली मान तो मिलना चाहिए. अब हम यहाँ से एक और स्पेशल डैम जाने वाले हैं, बट उसके पहले एक छोटी सी ब्रेक और थोड़ी पेट पूजा जरूरी है. और हम आए एट दिस स्मॉल जॉइंट विच इज फेमस फॉर इट्स मटका मिसल. बेसिकली इट्स योर मिसल सर्व्ड इन अ पॉट मटका विद अ स्मोकी फ्लेवर टू इट. स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन के तो फुल मार्क्स एंड द टेस्ट वॉज गुड एज वेल. वहां मिसल ट्राई करने के बाद हर्षद भाई हमें ले गए टू दिस हिडन लोकेशन एंड वहां पहुंचने के लिए वी टुक दिस बम्पी सीनिक माउंटेनियस रोड. तो फिलहाल तो हम निकले हैं वो डैम से, अब जाने एक छोटी सी डैम है जो हर्षद भाई ने बोला कि बहुत सही है एंड वी आर गोइंग टू सी दैट अदर डैम. एंड यहां का जो रोड है बहुत क्या बोलते हैं, उबड़ खबड़ है. अरे पानी आ गया. ओ वी आर लक्की. मैं अभी पिछले सैटरडे आया था भाई. ओ वाओ चेक दिस आउट. ये जगह का नाम क्या है? एक्चुअली ये नडाल डैम से पहचाना जाता है और यहाँ की जो लोकल क्राउड है इसको बांबू डैम से बांबू डैम बोलते हैं. जैसे कि मैंने कहा दिस इज लाइक अ स्मॉल डैम एंड यू वी आर जस्ट एंजॉयिंग दिस. This is where we are currently. आपने देखा how beautiful the whole place is and behind me is the waterfall. एकदम secluded area में है, like I don't think many people know about this. जैसे जैसे अभी बारिश की सीजन बढ़ती जाएगी, these places with the waterfall and everything will become even more beautiful. नदाल डैम से लौटकर हम थके हारे पहुंचे हर्षद भाई के घर, where we sat and relaxed for a bit. And soon we realized that it was almost evening and we are heading back home. कहाँ गया सारा दिन? We had just got here and where did all the time go?
कुछ ऐसा ही होता है राइट, जब आप अपने दोस्तों के साथ हो। बट एक चीज जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है इज द राइड बैक होम। यू मीट पीपल, यू अनएक्सपेक्टेडली हैव द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट जस्ट मेक्स द राइड बैक होम सो मच मोर डिफिकल्ट। बट वी लिव फॉर अनदर जर्नी। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। दिस इज मी नवीन, मैं मिलूंगा आपसे ऑन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर। So many ways to escape, but I guess it's time to wake up, time to wake up. Far too many ways to escape, but I guess it's... Good morning guys, once again. Hey, filhal to we've just... Good morning. And good morning. Good morning.